संगति किसकी करनी है? तीन पॉइंट है। पहले शुश्रूषया, जो गुरु शिष्य परंपरा में कनेक्टेड है और गुरु शिष्य परंपरा में रहकर अपने गुरु की सेवा करते हैं, एक। और उसी के साथ भजन विज्ञ, भक्ति तत्व विज्ञान को पूर्ण रूप से जानते हैं। और तीसरा निंदा आदि शून्य, जो कभी किसी की निंदा नहीं करते। ये तीन गुण जिसके अंदर हैं उसकी संगति करनी चाहिए। क्या हम करते हैं? जब ऐसी संगति नहीं करते तो प्रोग्रेस कहां से होगा? क्योंकि कृष्ण भक्त भक्ति जन्म मूल है साधु संग, भक्ति का मूल तो साधु संग है, और साधु संग ये साधु संग है। ऐसा साधु जो कभी किसी की निंदा नहीं करता, ऐसा साधु जो भक्ति तत्व को जानता है, ऐसा साधु जो गुरु शिष्य परंपरा में। हम लोग ऐसों की संगति नहीं करते, मंदिर तो आते हैं लेकिन हम हमारे टाइप का खोजते हैं। वो ऐसी है, फलाना ऐसा है, वो ऐसा। हाँ मैं भी कहती थी ऐसी, ऐसा 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 ऐसा। फिर वो कहाँ जाएंगे? वैतरणी नरक में जाएंगे। आप लोग तो नहीं जाओगे, आप तो सब बस दरवाजे पर खड़े हो। अब कौन सा दरवाजा, मेरा ईश्वर जाने लेकिन दरवाजा जरूर है। कुल मिलाकर वैतरणी नरक में जाते हैं। उस नरक में क्या होता है? एक बहुत बड़ी खाई होती है, खाई जानते ना, दो पर्वत के बीच में जो खड्डा खाई होती है, एक बहुत बड़ी खाई होती है। और उस खाई में विष्ठा, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, मज्जा, मांस, चर्बी, ये सारी प्रकार की दुनिया की गंदगी उस खाई में होती है। क्योंकि गंदा ही उगला है, मंदिर में आकर भी गंदा ही उगला है कि वो प्रभु जी खराब है, वो ऐसा है, वो चोरी करते, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो गंदा ही उगला है, इसलिए गंदगी में जाता है। एक ऐसी खाई जिसमें मल, मूत्र, विष्ठा, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, मज्जा, मांस, चर्बी, ये सब कुछ गंदगी भरी होती है। और ऐसी खाई में उसको डाला जाता है, और उस खाए में कुछ जलचर जीव होते हैं, उस जीव उसको डंकते हैं, मारते हैं, खाते हैं। ये तड़पता है, चिल्लाता है, तड़पता है, लेकिन कौन उसकी सुने? क्योंकि पाप कर बैठा है, पाप कर बैठा है। इसलिए जीवन में कभी भी भक्ति कम करो मंजूर है, लेकिन किसी की निंदा ईर्ष्या मत करो। हम क्या है, हमें जो समझ में नहीं आते हैं और उस पर बड़ा कीचड़ उछाड़ते हैं और बहुत उनकी निंदा ईर्ष्या करते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन एक बात गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाई है कि सूर्य के ऊपर थूकोगे, सूर्य अपनी गरिमा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन सूर्य के ऊपर थूकोगे वह थूक अपने ऊपर ही गिरेगा। समझे? जीवन में जब कोई पवित्र, कोई 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 अच्छे आदमी की निंदा करने बैठोगे, उसकी गरिमा को उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जब कोई हवा को नहीं रोक सकता, सूर्य के प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता, चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरी भक्ति, मेरा प्रचार करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। सूर्य को तो कोई नहीं दबा पाएगा, लेकिन वह जो निंदा ईर्ष्या हमने की है ना, जो हम थूके हैं सूर्य के ऊपर, वो एक दिन हमारे ऊपर गिरने वाला है। ये बात याद रखिएगा।